अब आप लोग क्या चाहते? कि शर्मीन सिर्फ आप लोगों की वजह से समझौता कर वापस लौट जाए और फिर वो घुट घुट कर जिंदगी गुजारे। उसका यहाँ आना इस बात का सबूत है कि वो वहाँ खुश नहीं थी, वो उस रिश्ते में नहीं बनना चाहती। बस कर दो, बहुत हो गया। सब समझ रही हूँ मैं, मेरी बेटी को जो गलत गलत पटियां पढ़ा रही हो तुम। अरे उसकी घर गृहस्थी को तबाह करना चाहती हो? जिस रिश्ते से हमने इनकार किया था उसका बदला अब तुम हमसे ले रही हो? बस, अरे छोड़ दो मेरी बेटी का पीछे। उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पे तो तरस खा लो। कभी अपनी बेटी पर तरस खाया है आपने? कभी ये जानने की कोशिश की है कि वो क्यों इतनी नाखुश है, क्यों वो सब तबाह कर बैठी है? क्यों खुशियों पर उसका भी हाँ। पहले ही आपने उसकी कम उम्र में शादी कर दी, वो भी जुल्म था। और आज फिर आप लोग उस पर जुल्म कर रहे कि आप लोग की इज्जत के खातिर वो सूली पर अटकी रहे। बस बहुत हुआ, निकलो यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसका फैसला कुकी ही करेगी। अभी ना उसको बुला बुला, जाओ जल्दी, चले बैठे आप लोग, आए अभी फैसला हो जाता है, आइए चलो चलो। शर्मीन तुम्हें भाई साहब बुला रहे हैं। ये लोग मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? पीछे तो कोई और आया है। कौन? खुद आके देख लो। ओ शर्मीन, इस महाज पे ये तुम्हारी आखिरी जंग है ताकि तुम आगे बढ़ सको। सही कह रहा था अजीज, तुम तो वो नहीं हो। सब क्या हो गया है शर्मीन? नहीं, नहीं कुछ नहीं हुआ ऐसे। और तुम लोग अपनी हमदर्दियां ना अपने पास ही रखो। कोई मुझे बताएगा कि ये अदालत क्यों लगी है? आखिर आप सब लोग क्या चाहते हैं मुझसे? बेटा ये वो अदालत है जिसमें मुल्जिम भी तुम हो, मुजरिम भी तुम हो, और हद ये है कि मुनसिफ भी तुम ही हो।